आईपीएल 2023 के लिए हुई मिनी ऑक्शन यानी कि छोटी नीलामी में आखिर कौन सा खिलाड़ी कितने कितने करोड़ में बिका, किस खिलाड़ी को किस टीम ने खरीद कर अपने टीम में शामिल किया है आईपीएल 2023 के लिए, इस वीडियो में आपको पूरी विस्तार से बताने वाले हैं। तो जहां सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने इस बार मिनी ऑक्शन से हैरी ब्रूक इंग्लैंड के जबरदस्त यंग बल्लेबाज को 13 करोड़ 25 लाख रुपए में खरीद कर अपने टीम में शामिल कर लिया है। तो वही मयंक अग्रवाल को भी सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने 8 करोड़ 25 लाख रुपए में खरीद कर अपने टीम में शामिल कर लिया है आईपीएल 2023 के लिए, जबकि साउथ अफ्रीका के बेहतरीन विकेट कीपर बैट्समैन हेनरी क्लासन को एसआरएस की टीम ने 5 करोड़ 25 लाख रुपए में खरीद कर टीम में शामिल किया है। तो वहीं विभ्रांत शर्मा जो कि भारतीय ऑलराउंडर हैं, इन्हें 2 करोड़ 60 लाख रुपए में खरीदा है सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने इस मिनी ऑक्शन से। तो वहीं इंग्लैंड के बेहतरीन स्पिनर आदिल रशीद को सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने 2 करोड़ इनके बेस्ट प्राइस में खरीद कर टीम में शामिल किया है, जबकि एसआरएस की टीम ने मयंक डागर को भी टीम में शामिल कर लिया है खरीद कर, जहां इस नीलामी में मयंक डागर 1 करोड़ 80 लाख रुपए में बिके एसआरएस की टीम में, जबकि मयंक मारकांडे जो कि भारतीय स्पिनर हैं, इन्हें सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने 50 लाख रुपए में खरीद कर टीम में शामिल किया है। तो वहीं भूपेंद्र सिंह यादव जो कि एक विकेट कीपर बल्लेबाज है, इन्हें एसआरएस की टीम ने मात्र 25 लाख रुपए में खरीद कर टीम में शामिल किया है, जबकि सम्राट व्यास जो कि एक भारतीय ऑलराउंडर है, इन्हें एसआरएस की टीम ने इस नीलामी से 20 लाख रुपए में खरीद कर टीम में शामिल किया है, जबकि सानवीर सिंह एक भारतीय ऑलराउंडर हैं, इन्हें भी एसआरएस की टीम ने 20 लाख रुपए में खरीद कर टीम में शामिल किया है आईपीएल 2023 के लिए। अब बात करें यहाँ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बारे में, तो आरसीबी की टीम ने भी इस नीलामी से कई सारे खिलाड़ियों को खरीद कर टीम में शामिल किया है, जिसमें पहला नाम था आरसीबी की टीम में वो है विल जैक्स, जहाँ विल जैक्स को आरसीबी की टीम ने 3 करोड़ 20 लाख रुपए में खरीद कर टीम में शामिल किया है, जबकि रेस टोपली को आरसीबी की टीम ने 1 करोड़ 90 लाख रुपए में खरीद कर टीम में शामिल किया है, जो कि इंग्लैंड के एक बेहतरीन तेज गेंदबाज माने जाते हैं, जबकि आरसीबी की टीम ने रजन कुमार जो कि एक भारतीय गेंदबाज हैं, इन्हें 70 लाख रुपए में खरीद कर टीम में शामिल किया है, जबकि आरसीबी की टीम ने हिमांशु शर्मा को खरीद कर टीम में शामिल किया है मात्र 20 लाख रुपए में। तो वही मनोज पांडे एक भारतीय ऑलराउंडर हैं, इन्हें भी आरसीबी की टीम ने मात्र 20 लाख रुपए में खरीद कर टीम में शामिल किया है। अब बात करें यहाँ लखनऊ सुपर जेंट्स के बारे में, तो लखनऊ सुपर जेंट्स की टीम ने इस नीलामी से कई सारे खिलाड़ी को खरीदा है, जिसमें नाम है निकोलस पुरन का। जी हाँ, विकेट कीपर बैट्समैन निकोलस पुरन को लखनऊ सुपर जेंट्स की टीम ने 16 करोड़ में खरीद कर टीम में शामिल किया है, जबकि डैनियल साम्स को एलएसजी की टीम ने मात्र 75 लाख में खरीद कर टीम में शामिल किया है। तो वहीं जयदेव नाटकर भारतीय गेंदबाज, इन्हें मात्र 50 लाख रुपए में खरीदा है एलएसजी की टीम ने, जबकि अमित मिश्रा जो कि भारतीय स्पिनर हैं, इन्हें मात्र 50 लाख रुपए में खरीदा है लखनऊ सुपर जेंट्स की टीम ने। तो वहीं रोमारियो सेफर्ड एक बेहतरीन ऑलराउंडर माने जाते हैं, लेकिन इन्हें भी मात्र 50 लाख रुपए में खरीद कर टीम में शामिल किया है, जबकि यश ठाकुर जो कि भारतीय गेंदबाज माने जाते हैं, इन्हें 45 लाख रुपए में खरीदा है लखनऊ सुपर जेंट्स की टीम ने। तो वहीं प्रेरक मकंड एक भारतीय ऑलराउंडर हैं, इन्हें लखनऊ सुपर जेंट्स की टीम ने 20 लाख रुपए में खरीद कर टीम में शामिल किया है। बात करें यहाँ राजस्थान रॉयल्स के बारे में, तो राजस्थान रॉयल्स की टीम ने वेस्टइंडीज के एक्सपीरियंस ऑलराउंडर जेसन होल्डर को 5 करोड़ 75 लाख रुपए में खरीद कर राजस्थान रॉयल्स की टीम में शामिल किया है। तो वहीं डोनोवान फारिया जो कि एक बेहतरीन विकेट कीपर माने जाते हैं, इन्हें राजस्थान रॉयल्स की टीम ने मात्र 50 लाख रुपए में खरीद कर टीम में शामिल किया है। अब बात करें यहाँ मुंबई इंडियंस के बारे में, तो मुंबई इंडियंस की टीम ने इस नीलामी से कई विस्फोटक खिलाड़ी को खरीद कर टीम में शामिल किया, जिसमें पहला नाम है कैमरन ग्रीन का। जी हाँ, कैमरन ग्रीन जो कि ऑस्ट्रेलिया के बेहतरीन ऑलराउंडर माने जाते हैं, इन्हें मुंबई इंडियंस की टीम ने 17 करोड़ 50 लाख रुपए के भारी भरकम रकम में खरीद कर टीम में शामिल कर लिया है। तो वहीं जे रिचार्डसन एक बेहतरीन गेंदबाज हैं, इन्हें मुंबई इंडियंस की टीम ने मात्र 1.5 करोड़ में खरीद कर टीम में शामिल किया है। तो वहीं मुंबई इंडियंस की टीम ने पीयूष चावला को एक बार फिर से टीम में शामिल किया है मात्र 50 लाख रुपए में खरीद, जबकि ड्वान जेनसन एक बेहतरीन ऑलराउंडर माने जाते हैं, इन्हें 20 लाख रुपए में खरीद कर टीम में शामिल किया है। तो वहीं विष्णु विनीत एक भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज माने जाते हैं, इन्हें मुंबई इंडियंस की टीम ने मात्र 20 लाख रुपए में खरीदा है। अब बात करें यहाँ पंजाब किंग्स के बारे में, तो पंजाब किंग्स की टीम ने इस बार आईपीएल 2023 की नीलामी में कई बड़े खिलाड़ियों को खरीदा है, जहाँ सैम करन को खरीद कर सबको हैरान कर दिया है, क्योंकि सैम करन को इस टीम ने काफ़ी ज़्यादा पैसे दिए, काफ़ी महंगे में खरीद कर टीम में शामिल किया है। तो पंजाब किंग्स की टीम में शामिल हो चुके हैं सैम करन, जहाँ सैम करन को पंजाब किंग्स की टीम ने 18 करोड़ 50 लाख रुपये में खरीदा है, जबकि सिकंदर रजा
जिम्बाब्वे के ऑलराउंडर इन्हें मात्र 50 लाख रुपए में खरीदकर टीम में शामिल किया है, तो वहीं हरप्रीत भाटिया एक भारतीय बल्लेबाज है, इन्हें 40 लाख रुपए में खरीदा है पंजाब किंग्स की टीम ने। तो वहीं विधुता करियप्पा एक भारतीय गेंदबाज माने जाते हैं, इन्हें पंजाब किंग्स की टीम ने मात्र 20 लाख रुपए में खरीदा है। अब चलिए बात करते हैं चेन्नई सुपर किंग्स के बारे में। तो सीएसके की टीम ने भी बेन स्टोक्स समेत कई बड़े बड़े खिलाड़ियों को खरीदकर सबको हैरान कर दिया है, जहां सीएसके की टीम ने बेन स्टोक्स को 16 करोड़ 25 लाख रुपए में खरीदकर टीम में शामिल कर लिया है आईपीएल 2023 के लिए। जबकि काइल जेमिसन न्यूजीलैंड के बेहतरीन ऑलराउंडर इन्हें 1 करोड़ में खरीदकर टीम में शामिल किया है सीएसके की टीम ने। जबकि निशांत सिंधु एक भारतीय ऑलराउंडर ने इन्हें सीएसके की टीम ने 60 लाख रुपए में खरीदा है। जबकि अजिंक्य रहाणे भारतीय बल्लेबाज इन्हें 50 लाख रुपए में सीएसके ने खरीदा है। जबकि शेख रशीद एक भारतीय बल्लेबाज है इन्हें मात्र 20 लाख रुपए में खरीदा है आईपीएल 2023 के लिए। तो बात करें दिल्ली कैपिटल्स के बारे में, तो दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने मुकेश कुमार एक भारतीय गेंदबाज हैं इन्हें 5 करोड़ 50 लाख रुपए में खरीदा है। जबकि मनीष पांडे भारतीय बल्लेबाज हैं इन्हें 2 करोड़ 40 लाख रुपए में खरीदा है दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने। तो वहीं फिल शॉट एक बेहतरीन विकेट कीपर बैट्समैन है इन्हें 2 करोड़ में खरीदा है दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने। तो वहीं ईशांत शर्मा भारतीय एक्सपीरियंस तेज गेंदबाज हैं इन्हें दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने 50 लाख रुपए में खरीदा है। बात करें यहाँ गुजरात टाइटंस के बारे में, तो गुजरात टाइटंस की टीम ने आईपीएल 2023 के इस मिनी ऑक्शन में शिवम मावी को 6 करोड़ में खरीदकर टीम में शामिल किया है। तो वहीं केन विलियमसन एक्सपीरियंस बल्लेबाज इन्हें मात्र 2 करोड़ में खरीदकर टीम में शामिल कर लिया है। तो वहीं के एस भरत भारतीय विकेट कीपर बैट्समैन इन्हें 1 करोड़ 20 लाख रुपए में खरीदा है टीम में। तो वहीं ओडेन स्मिथ वेस्टइंडीज के ऑलराउंडर इन्हें मात्र 50 लाख रुपए में खरीदकर गुजरात टाइटंस की टीम में शामिल कर लिया है। तो वहीं उर्विल पटेल को गुजरात टाइटंस की ने 20 लाख रुपए में खरीदकर टीम में शामिल किया है। बात करें यहां कोलकाता नाइट राइडर्स के बारे में, तो केकेआर की टीम ने इस नीलामी से एन जगदीशन विकेट कीपर बैट्समैन इन्हें मात्र 90 लाख रुपए में खरीदकर टीम में शामिल कर लिया है। तो वहीं केकेआर की टीम ने विभव अरोरा एक भारतीय गेंदबाज हैं इन्हें 60 लाख रुपए में खरीदा है। तो वहीं सयुज शर्मा एक भारतीय गेंदबाज हैं इन्हें केकेआर की टीम ने 20 लाख रुपए में खरीदा है। तो टाटा आईपीएल 2023 के इस मिनी ऑक्शन में अब तक के सभी खिलाड़ी बिक चुके हैं, जहां ये मिनी ऑक्शन की पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 में हमने शुरुआती खिलाड़ियों के बारे में बताया था। तो फिलहाल नीलामी चल रही है, अभी कुछ और खिलाड़ियों का बिकना बाकी है। जैसे ही नीलामी खत्म होती है आपको सभी खिलाड़ियों के बारे में पूरी विस्तार से बताने वाले हैं। कंप्लीट सोल्ड और अनसोल्ड खिलाड़ियों की लिस्ट आपको दिखाएंगे और बताएंगे अपनी पार्ट 3 वीडियो में, जो किसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में लिंक हम पिन कर देंगे, इस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं पार्ट 3 वीडियो।